सो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तभी टाइम है सुबह के 9 बज रहे हैं एंड हम लोग आ चुके हैं गंगा नदी में स्नान करने के लिए। तो एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं बीच में संगम में नहाने के लिए। तो मैं आया हूँ, हम मजी आई है, बड़े पापा आए हैं एंड नवीन आया है और छुटकू पिन्नी लाल। तो हम लोग पाँच जन है, मतलब पाँच जन है, साढ़े चार जन है, एक छोटा है। मोल भाव हो रहा है, मोल भाव। सो गाइस, अभी हम लोग ने खरीदा है ये डब्बा, तो इसमें हम लोग गंगा जल भर के ले जाएंगे। नहीं ले लिया हमने। एंड बोट आगे में है। आपने पहले भी, अगर मैंने पहला ब्लॉग सब देखा है तो आपने देखा होगा कि इसी प्लेस में मैं आया था एक बार बोटिंग करने के लिए। तो आज बोट में हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। उस टाइम आए थे तो नहाए नहीं थे। चल गली का ये भाई। सो गाइस, अभी हम लोग बैठ चुके हैं नाव में एंड अरे अरे नाव हिल रहा है पूरा। तो गाइस, अभी नाव स्टार्ट हो चुका है, हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे। बच्ची सब आ चुके हैं खाने के लिए। तो गाइस, अभी देखिए गंगा नदी साफ हो रहा है। यहाँ पे सारा कचरा सब उठा के ले जा रहे, फूल पैकेट वैकेट क्या क्या रखा हुआ है। पूरा साफ हो रहा है गंगा नदी, फूल गिरा हुआ है, चप्पल भी गिरा हुआ है। तो गाइस देखिए कितना सारा चिड़िया बैठा है वहाँ पे, सब समझ गए। जिसके तखत पे नहाओगे सुबह 4 बजे बनाता है, शाम को निकाल लेता है, थोड़ा पैसा लेता है प्लेटफॉर्म का। क्या मालूम भैया, मांगने के एक आदमी का 30-35 मांगता है, 20 रुपए करके उसको देना पड़ता है। नारियल फूल नहीं लाए होंगे तो वहाँ मिलता है गंगा जी डाल के तब स्नान। ये देखो पानी का रंग, ये गंगा जी आई है, ग्राउंड बदला था पीला से, देखो सफेद पीला से देखो पीला। तो देखिए गाइस, अभी हम लोग सामने पहुंच चुके हैं बिल्कुल। हाँ तो हटा लिया भाई, एक फोटो में अलग हो जाती लौड़ी खत्म। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं इधर। अगर हम लोग को बोट बदल के जाना पड़ेगा शायद नहाने के लिए, बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ पे पूरा, ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक जाम। सो गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग यहीं पे ड्रेस व्रेस चेंज करके वहाँ जाके वहाँ पे जाना होगा नहाने के लिए। इसको डाल लो, इसको डाल लो डब्बों में। सो गाइस, अभी हम लोग कपड़ा यहीं पे रखने वाले हैं एंड यहाँ पे संगम में यहाँ पे स्नान करने वाले। अभी बड़े पापा वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ए, कपड़ा उतारा जल्दी, उधर इधर इधर आओ, इधर आओ पिन्नी लाल, जल्दी उतारो। अरे बस गिर रही है बहुत, सेल्फी कैमरा दे, रिकॉर्डिंग ऑन, बस छोड़िए मत। ओ नहीं नहीं नहीं, ला 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 और करे, चार पांच बार डाल दे। अरे ओ ऐसे घुस के निकल तब मजा मिली। डाल 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 ये नहीं नहीं,
खराब हो जाए। और ये आईफोन की क्वालिटी पकड़ अभी हम लोग संगम में बहुत ज्यादा गहरा है यहाँ पे पानी, इसलिए मैंने ये पकड़ के रखा था। सी सो गाइस हमने अभी संगम नहा लिया है एंड देख सकते हैं अभी बहुत सारे लोग हैं लाइन में जो सब नहाने के लिए रेडी हो रहे हैं एंड यहाँ पे ऑलरेडी लोग नहा रहे हैं एंड यहाँ पे चंदन लग रहा है। कैसा तिलक लगा दिया रे, इधर से पूछ पाछ कर लंबा कर दिया रे। सो गाइस अभी हमने तिलक भी लगा लिया तो यहाँ पे नहाने के बाद मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स आने लगते हैं। ऐसा लगता है मतलब कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं है, बहुत सुकून लगता है यहाँ पे। जब हम लोग नहा रहे थे यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। पानी ठंडा था लेकिन ऐसे निकलने का मन नहीं करता, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी निकल गए, लेकिन ऑलरेडी हम लोग 5-10 मिनट नहा रहे थे एंड पानी पूरा यहाँ तक था। अभी आपने देखा ही फ़ोन मैंने मतलब पानी का अंडा डाल दिया था क्योंकि वो आईफोन था, वो ख़राब हो गया नहीं, मैं अपना डालूंगा तो वहीं पे रह जाएगा। सो गाइस अभी हम लोग का हो गया सारा काम एंड अभी चलते हैं वापस बोट में। तो ऑलरेडी नवीन चला गया बोट पे। अरे एंड ये तिलक देखिए यहाँ से थोड़ा इधर हो गया, लेकिन कोई नहीं, चलो चलो चलो। गैस कभी अगर आप लोग को चांस मिलता है तो जरूर आइएगा यहाँ पे नहाने के लिए एंड बहाव बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको मतलब अगर नहीं पकड़ोगे बांस वास तो पूरा खींच के ले जाएगा पानी। ट्रैफिक जाम है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कैसे दोनों नाव चिपक गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, खिला रहे वो क्या था, भुजिया खिला रहा था, भुजिया जो हम लोग वहाँ से खरीद के लाए थे। थोड़ा गिराओ थोड़ा गिराओ, देखते सर हम लोग पहुंचने वाले हैं किनारे एंड यहाँ पे बाइक रखा था हमने। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं किनारे तो अभी उतरते हैं एंड फिर चलते हैं घर। नदी के बीच में नेटवर्क भी नहीं था, अभी जस्ट नेट ऑन किया मैंने तो पूरा नेटवर्क मिलने लगा। तो गाइस अभी हम लोग आ ही रहे थे एंड रास्ते में मिल गया हमें एक बुक शॉप, तो यहाँ पे भी हम लोग खा रहे हैं पकौड़ी एंड चाय एंड समोसा छोला ये सब मिलते हैं यहाँ पे, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक एक। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है घर, बिल्कुल मतलब पास ही है, मुश्किल से 5 मिनट लगे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे चिल करते हैं, चाय वाय पीते हैं एंड फिर चलते हैं घर पर। तो यहाँ पे खा रहे हैं समोसा और घुघनी एंड हमारा वहाँ पे बन रहा है सेम, अभी जाके लेते हैं। सो गाइस मज़ा आ गया खा के, बहुत टेस्टी था एंड आप देख सकते हैं दुकान कैसा है, बिल्कुल त्रिपाल से ढका हुआ एंड बहुत टेस्टी था। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं बुलेट से एंड एक स्कूटी है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 8 बज रहे हैं एंड मैं हूँ एक वेडिंग शूट में
जिस यहाँ पे मैं आया हूँ, नवीन आया, अनिल आया एंड और भी कोई फ्रेंड्स है वो लोग आए हैं। तो यहाँ पे आज हाफ टाइम है, रात 1 बजे तक होगा, 1 या 1.5 बजे तक, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे घर। एंड कल का प्लान कुछ और है जो कि मैं आपको कल बताऊँगा। एंड ये कन्फर्म नहीं था कि मुझे आना ही होगा, कि मतलब ये अचानक से प्लान बन गया, तो ये लोग जा रहे थे तो सोचा कि मैं भी चला जाऊँ, क्योंकि हाफ टाइम है। कल का जो प्लान है उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि शाम तक, रात तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे 1-1.5 बजे तक। उसके बाद मैं सो जाऊँगा एंड उसके बाद 9 बजे के आसपास या फिर 8 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाएंगे कहीं और के लिए। एंड डेकोरेशन देखिए कितना मस्त सजाया है यहाँ पे। एंड ये है सुनील, क्या फोटोग्राफी, स्टील फोटोग्राफी। फोकस नहीं ले रहा है, आप लोग समझ जाए कितना अच्छा फोटो है। उतना क्लियर नहीं आ रहा है फोन के क्वालिटी में, लेकिन बहुत मस्त फोटो क्लिक कर रहा है। तो गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे फोटो शूट एंड मेरे बैक साइड में अनिल है एंड अनिल नहीं सुनील है, दोनों के नाम में मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, दोनों भाई है इसलिए मेरा नाम पे कन्फ्यूजन होता है। तो ये है सुनील एंड जो कहाँ गया ये रहा, ये है अनिल। हम लोग दोनों का नाम में हमको कन्फ्यूजन होने लगता है। तो अभी जस्ट सबको चिल कर रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ही बारात एंट्री होगी तो उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा सबका। तो अभी थोड़ा मतलब खाना वाना मतलब अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, चाट वाट थोड़ा चल रहा है बस यही सब। सभी चलते हैं कॉफ़ी ट्राई करते हैं पहले। तो गाइस देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन है यहाँ पे एंड यहाँ पे सेल्फी के लिए। एंड खाना पीना भी स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे देखिए खटिया भी लगा दिया। तो गाइस अभी खाना हम लोग खा रहे थे, बहुत ही मस्त खाना था, जस्ट मतलब नाश्ता वास्ता किया है। तो गाइस बारात अभी आने वाली है एंड बैक साइड में देख सकते हैं शूट हो रहा है यहाँ पे, तो दुल्हन का भी फोटो शूट हो रहा है एंड कुछ ही देर में बारात भी आ जाएगी। बाकी सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड में सब खाना वाना खा रहे हैं। गाइस अभी बारात आ चुकी है एंड गेट पे बारात थोड़ी देर में एंटर कर लेगी। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा गाना का, तो बारात आ ही गया, मुझे दिख भी रहा है यहाँ पे। तो बारात अभी एंटर कर रही है। तो गाइस देखिए दूल्हा दुल्हन स्टेज पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, मतलब सबसे स्ट्रगल वाला जो काम है कैमरामैन का। एंड देख सकते हैं यहाँ पे 3 कैमरास लगे हैं एंड उधर बैक साइड में भी लगे हुए हैं एंड इधर भी लगे हुए हैं, मतलब एक एक शॉट कीमती है यहाँ पे। मतलब ये नहीं कि आप भीड़ में रुके हुए हैं ना कोई शूट कर लगे वो कुछ नहीं। सारा काम हो गया कंप्लीट, खाना वाला भी हमने खा लिया, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड कल मतलब आज सुबह, मतलब ऑलरेडी 12 बज के पार हो चुके हैं, तो आज सुबह हम लोग फिर जा रहे हैं कहीं और, तो सुबह फिर निकलना भी है। तो आज के लिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ।